अभी चेक करें, वाह ये तीनों बोतलें जो है ना वो शामिल कर रहे हैं, वाह। अब ये देखें और क्रश्ड आइस जो है ना वो शामिल कर रहे हैं, तो फ्लेवर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक स्पेशल कार्ड के बिल्कुल सामने और यहाँ पे स्पेशल पाकोला मिल्क शेक मिलता है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ और आपको बताऊँगा कि कैसे कमर्शियल लेवल पे पाकोला क्रीम सोडा मिल्क शेक कैसे तैयार किया जाता है। आ जाए, मैं आपको कंप्लीट रेसिपी बताऊँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पहले जो है ना ये आइस के ब्लॉक हैं, इनको ये कूटा जा रहा है, मैनुअली क्रश किया जा रहा है इस ट्यूब बैग में, और आप देखें इसको क्रश करेंगे और क्रश करने के बाद जो क्रश आइस होगी वो इस्तेमाल की जाएगी। ये देखें, ये आ गया क्रश आइस, अब इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और क्रश्ड आइस जो है ना वो शामिल कर रहे हैं, अब ये देखें दूध शामिल कर रहे हैं इसमें, और ये पूरी बाल्टी जो है ना दूध ही शामिल कर दी है इन्होंने, वाह। पहले सबसे पहले जो है ना क्रश्ड आइस ली है इन्होंने इस पूरे बड़े पतीले में, इसमें जो है ना आइस लिया, उसके बाद दूध शामिल कर दिया। अब चेक करें, अब जो है ना ये जो है ना फ्लेवर सिरप ऐड कर रहे हैं, ये देखें ये ग्रीन पाकोला फ्लेवर्ड सिरप है और इसको शामिल किया है इन्होंने। जो है ना सिरप ऐड करने के बाद जो है ना इसको फ्लेवर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसका जो दूधिया कलर होता है ना ये तब्दील हो जाएगा। अब ये चेक करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कलर तब्दील हो रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता चलूँ, ये जो पतीला है ना ये तकरीबन 2 मन का पतीला तैयार होता है, और रोज़ाना जो है ना इधर 7 दफ़ा तैयार करते हैं और 14 मन यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे तैयार हो रहा होता है पाकोला मिल्क शेक। और अभी जो है ना मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये चेक करें, अभी देखें कम्प्लीट ब्लेंडिंग हो गई है तकरीबन, और कलर भी जो है ना तब्दील हो गया। अब इसमें आखिर पे सबसे आखिर पे जो है ना क्रीम सोडा शामिल किया जाएगा, पाकोला क्रीम सोडा सबसे आखिर पे शामिल करते हैं। अब ये देखें भाई जो है ना वो बोतलों को ओपन कर रहे हैं, क्रीम सोडा की बोतलें ओपन कर रहे हैं, अभी चेक करें, वाह ये तीनों बोतलें जो है ना वो शामिल कर रहे हैं, वाह। ये तीनों क्रीम सोडा की बोतलें शामिल कर दी हैं इसमें, और अब जो है ना आखिरी दफ़ा इसको जो है ना मिलाया जाएगा। अब ये देखें फाइनली इसको तैयार कर लिया हमने,
अब जो है ना थैलियों में इसको पैक करेंगे। अब दूसरा जो है ना थैलियों के लिए चमचा दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मेरे भाई से पूछा कि इसकी प्राइस कितनी है, तो भाई कह रहे थे कि 100 रुपये की थैली है ये। अब ये मुसलसल जो है ना इसको पैक करते रहेंगे। अब ये थैलियाँ भर भर के जो है ना रबड़ से ऊपर से बांध के रबड़ से और यहाँ पे रख रहे हैं। अब ये चेक करें, ये है फाइनल पागोला मिल्शेक की जो थैली है ना, साथ साथ बाल्टियों में भी रखा हुआ। ये चेक करें। और मैंने यहाँ की पागोला क्रीम सोडा मिल्शेक की कम्प्लीट रेसिपी आपको दिखाई कि कमर्शियल लेवल पर कैसे इसको तैयार किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और लास्ट बट नॉट लीस्ट YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।